दुनिया की सबसे छोटी थार बेड़ पकड़ में दिखी। रहते हैं कितने आप भाई बहन हो, कौन कौन है आपके परिवार में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चंद्रपुरी मार्केट और कंडारा के बीच में एक पैदल मार्ग है, उस पैदल मार्ग पे अभी हम चल रहे हैं। तो यहीं से मैं आज वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि कंडारा में आज हमारा दूसरा मैच है। और घर से मैंने आज वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि परसों आपने देखा होगा मैंने घर से कंडारा जाने का पूरा रास्ता आपको दिखाया, तो बार बार दिखा के आपको बोर नहीं करना चाहता था। तो इसीलिए आज शुरुआत हो रही है पैदल मार्ग पर और आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बीच में खूबसूरत सा मंदिर है। तो चलिए मंदिर में मैं आपको लेके चलता हूँ और जो भी यहाँ के बारे में सभी जानकारी आपको देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए। तो यहाँ पर देखिए, पूरे पहाड़ियों के बीच में यहाँ पर एक खूबसूरत सा मंदिर है और मंदिर किस भगवान का है, चलिए मंदिर में जाके ही देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो शिवलिंग बोले तो भोलेनाथ का निवास स्थान है और यहाँ की ओर मैं मंदिर में आपको लेके चलूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है काली माता का मंदिर। तो काली माता की एक खूबसूरत सी मूर्ति यहाँ पर है। तो काली माता और भोलेनाथ से मैं सभी लोगों के लिए ही आशीर्वाद मांगूंगा कि सभी लोग अपने घर पर जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। तो चलिए अभी मंदिर से, भगवान से भी अलविदा लेते हैं और चलते हैं कंडारा गाँव में, जहाँ पर कि आज हमारा दूसरा मैच है। तो ये देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है और इस खड़ी चढ़ाई पर अभी हम चल रहे हैं। और यहाँ देखिए हमारे साथ हैं संजू भाई, हमारे ओपनर बैट्समैन, यहाँ पर किट लेके जा रहे हैं सौरभ भाई, सागर भाई और मोहित भाई। तो चलिए अभी चलते हैं। और ऐसे में वीडियो बनाने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि सांस ही नहीं ले जा रही है, तो बोलना कैसे है। और उल्टा कल से बुखार से भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। तो चलिए, जैसा भी होगा आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको जो यहाँ पर नीचे मार्केट नज़र आ रहा है तो यही चंद्रपुरी मार्केट है और वहाँ से हम पैदल यहाँ से होते हुए, और यहाँ पर नीचे देखिए जहाँ पर मैंने वीडियो की शुरुआत की थी, तो यहाँ पर है काली माता का मंदिर। और ये देखिए लगभग 1.5 किलोमीटर चल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी कितना ज़्यादा हमें पैदल चलना होगा अभी हमें कुछ भी पता नहीं है, पर जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई जिसको बोलते हैं ना, वो वाली चढ़ाई अभी हम चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर रास्ते में चलते चलते हमको खूबसूरत से फ्यूली के फूल मिले हैं, और फ्यूले के फूल अगर आप पहाड़ से हैं तो आपको पता ही होगा। और कुछ दिनों बाद जो हमारे यहाँ एक त्यौहार होता है घोगा माता त्यौहार, उसको हम गढ़वाली में बोलते हैं, तो आने वाला है उस टाइम पे फ्यूली के फूल हो गए, पुरांस के फूल हो गए और जितने भी हमारे पहाड़ों में आजकल बसंत पंचमी के दौरान जो फूल खिलते हैं वो हम घोगा माता को चढ़ाते हैं और पूरे गाँव में घोगा माता के साथ भ्रमण करते हैं। और सभी घरों के जो दरवाजे होते हैं, मोर संगाड़ जिसको गढ़वाली में बोलते हैं, तो वहाँ पर सभी फूलों को हम डालते हैं। तो चलिए, हमारे साथ के जो हमारे भाई बंधु थे वो आगे काफ़ी चले गए हैं, तो चलिए मैं भी चलता हूँ। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं रोड पे, जो कि क्यूंजा घाटी की रोड है, और जो हमारे साथ के भाई बंधु थे वो देखिए कहीं भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। शायद इसी रास्ते हमें आगे बढ़ना होगा, वो भी मुझे अभी पता नहीं है। तो जैसे ही मैं रोड पे थोड़ा आगे बढ़ा तो आप यहाँ पर देखिए बजरंगबली की यहाँ पर खूबसूरत मूर्ति है और बजरंगबली का यहाँ पर निवास स्थान है, एक छोटा सा यहाँ पर मंदिर टाइप का बनाया गया है। तो जय हो बजरंगबली। जो फ्यूली के फूल मैं लेके आया था वो बजरंगबली को मैंने अर्पित कर दिए हैं, और बजरंगबली से भी मैं यही आशीर्वाद मांगूँगा कि सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो यहाँ पर देखिए, जो मोहन खाल है यहाँ से 25 किलोमीटर है और कंडारा जहाँ पर हमें जाना है यहाँ से 1 किलोमीटर है, और जो हाईवे है स्टेट हाईवे है 56, और यहाँ पर भी बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है मोहन खाल 25 किलोमीटर, चंद्रनगर 20 किलोमीटर और कंसील 7 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने सारे फ्यूली के फूल हैं, और यहाँ नीचे दिखाऊँ तो सरसों के भी फूल यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हरियाली है वो काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रही है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो फ्यूली के फूल हैं यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे गांव में अभी भी एक भी फ्यूली का फूल मुझे नज़र नहीं आया है। तो यहाँ और हमारे गांव में काफ़ी क्लाइमेट चेंज है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अभी गर्मी भी हो रही है और हमारे गांव में तो आपको पता है कितना ज़्यादा ठंडा होता है, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ। और ये देखिए कुछ इस प्रकार की घाटी यहाँ पर है। तो अभी पहुँच ही गया हूँ फाइनली मैं कंडारा गाँव में, और यहाँ पर आते ही एक चीज़ मुझे नज़र आई है। तो यहाँ से देखिए और यहाँ नीचे तक आपको सिर्फ केले के पेड़ ही पेड़ नज़र आने वाले हैं, तो शायद यहाँ पर केला बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अभी रोड से एक बार फिर से यहाँ नीचे कहीं जाना पड़ेगा, और जो मैच हो रहे हैं मैंने परसों आपको बताया था यहाँ नीचे कहीं हो रहे हैं। और खेत देखिए क्या ही खूबसूरत यहाँ पर हरियाली देखने को मिल रही है,
सभी खेतों में आजकल गेहूं और सरसों हो रखा है। तो अभी एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं कंडारा मैदान में और यहां पर शायद टॉस भी हो गया है। प्रधान जी क्या हुआ, टॉस जीत गए? तो एक बार फिर हमारे प्रधान जी, हमारे कैप्टन साहब टॉस जीत चुके हैं और बैटिंग करने का एक बार फिर उन्होंने फैसला लिया है। तो यहाँ पर हमारी ओपनिंग जोड़ी है वो मैदान में पहुंच चुकी है और स्ट्राइक लेंगे संजू भाई और नॉन स्ट्राइक पे होंगे प्रधान साहब, जिन जो कि हमारी टीम के कैप्टन भी हैं जोत सिंह, और जो हमारी विपक्षी टीम है वो शायद धानी टीम है। धानी प्रॉपर नाम मुझे भी पता नहीं है लेकिन आपको बता देंगे जो भी होगा। तो यहाँ पर एक पारी का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है और जो दूसरी टीम को टारगेट दिया है वो दिया है 90 रन का। तो चलिए अभी चलते हैं फील्डिंग करने। तो जो आज का मैच था उसको भी हम जीत चुके हैं और मैच जीतने के बाद एक बार फिर हम चले अपने गाँव की ओर और आगे देखिए हमारे दोनों भाई एक बार फिर किट लेके जा रहे हैं और वो अपना नाम भी बता रहा है, नेगी सागर। तो अभी सौरभ भी अपनी टी शर्ट पर अपना नाम दिखाना चाह रहा था लेकिन नहीं दिखा सकता क्योंकि वो अभी किट लेके जा रहा है। और जो हमारे आज के मैन ऑफ द मैच थे हमारे छोटे भाई मोहित, तो मोहित भाई ने आज 4 विकेट लिए और 8 रन बनाए थे। तो चलिए अभी चलते हैं और आपको रास्ते में कुछ दिखाने लायक चीज़ें होगी तो वो आपको दिखाते चलेंगे। मैच मैंने इसलिए आपको ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि मैच में कुछ रोमांच ही नहीं था, एक तरफा जीत आज हमने हासिल की है। दुनिया की सबसे छोटी थार बेड बगड़ में दिखी। भाई साहब क्या रेट किए, क्या रेट किए हैं? 20। तो यहाँ पर देखिए दुनिया की सबसे छोटी थार यहाँ पर 20,000 रुपए की, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, बच्चों के लिए सबसे बेस्ट खिलौना। तो अभी हम एक बार फिर आ चुके हैं अपने गांव के पैदल मार्ग पर और कंडारा से घर आते हुए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कंडारा से फिर उसी पैदल रास्ते से हम नीचे आए जिससे कि ऊपर गए थे और फिर चंद्रापुरी में गाड़ी में बैठे और गाड़ी में ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए होता नहीं है। थोड़ा मैं बेडूबगड़ में रुका था और वहाँ पर मैंने आपको एक छोटी सी मिनी थार दिखाई थी जो कि रिमोट से चलती है और काफ़ी अच्छी थी और उसका रेट मैंने उनसे पूछा था तो वो बता रहे थे 20,000 उसका रेट है। और उसके बाद फिर गाड़ी में बैठे और सीधे आ चुके हैं एक बार फिर अपने गाँव के पैदल मार्ग पर। तो चलिए अभी घर की ओर चलते हैं। तो गाइज अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं और हमारे स्वागत में हमारे भोटू महाराज आ रखे हैं कि कुछ लाए होंगे लेकिन हम कुछ लेके नहीं आए हैं, तो कालो का नहीं। तो यहाँ पर नैन्सी भी है और घर आते आते आप देख सकते हैं अंधेरा होने को है। तो चलिए जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और आपको मिलते हैं एक बार फिर से वबरा भीतर। तो अभी मैं आ चुका हूँ वबरा भीतर और वबरा भीतर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए मम्मी बैठी हुई है, आज हमारे घर में बड़ी दीदी आ रही है तो बड़ी दीदी बैठी हुई है, यहाँ पर हैं भाई साहब, यहाँ पर हैं पापा, हेलो गाई जी, और यहाँ की ओर है हमारी छोटी दीदी। तो ये देखिए आज हमारा पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है और कई लोग मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं कितने आप भाई बहन हो, कौन कौन है आपके परिवार में। तो हमारी दो दीदियाँ हैं वो मैंने अभी आपको दिखा दी हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, मैं हूँ, मेरी मम्मी है और मेरे पापा हैं। तो चलिए सभी लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं तो मैं भी चाय पी लेता हूं और आज की जो वीडियो है अपने पूरे परिवार के साथ आप लोगों के साथ यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही शानदार वीडियोज में सीधे पहाड़ से आपको दिखाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।